हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चों के फेवरेट, बच्चे ही नहीं तो सभी से खाना पसंद करते हैं छोटे बड़े। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट चिप्स कुकीज़ की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए देख लेते हैं एक कुकीज़ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो कुकीज़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप घी, आप घी की जगह पे बटर भी ले सकते हैं, 2 बड़े चम्मच दूध, 1/3 कप कोको चिप्स यानी कि चॉकलेट चिप्स लिए मैंने, 1 छोटा चम्मच हम वनीला एसेंस का लेंगे, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 छोटा चम्मच नमक। तो एक बोल के अंदर हमें सबसे पहले ये घी डाल देना है। पीसी भी चीनी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हम वनीला एसेंस का डालेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिलने के लिए आप चाहे तो हैंड विक्स की मदद से या फिर इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसे अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। ये देखिए, तो 4-5 मिनट के बाद एक कुछ क्रीम के जैसे दिखने लगता है। तो अब बारी आती है इसके अंदर मैदा डालने की, साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हम सोडा डालेंगे बेकिंग सोडा, 1/4 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अगर आप इसके अंदर सॉल्टेड बटर डाल रहे हैं तो नमक को आप स्किप कर दीजिए। इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से एक साथ मिला देंगे। तो मिलाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम के जैसे दिख रहा, थोड़ा सा ड्राई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 बड़ा चम्मच दूध डाला है, मिला के देखेंगे, अगर ज़रूरत लगी तभी हम इसके अंदर फिर से थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से 1 बड़ा चम्मच दूध डाल दिया है। तो पूरा डो बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दूध का मैंने यूज़ किया है। तो अब बारी आती है इसके अंदर चॉकलेट चिप्स मिलाने की। इसे डालने के बाद इसे बस आपको हल्के हाथों से इस तरह से मसलते हुए इसका डो बना के तैयार कर लेना है। तो बस कुकीज बनाने के लिए यहाँ पे डो बन के तैयार है। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप के बेकिंग ट्रे को घी से ग्रीस कर लिया है। आटे में से हम छोटी सी लोई लेंगे मीडियम साइज की, और इसे सबसे पहले हमें लड्डू के जैसे गोल बना लेना है। उसके बाद आपको दोनों हथेलियों के बीचों बीच इस तरह से प्रेस करते हुए, ये देखिए यहाँ पे कुकीज बन के तैयार है। इसे हम ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। आप चाहे तो इससे छोटी भी कुकीज बना सकते हैं, आपके हिसाब से छोटी या बड़ी आप कुकीज बना सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते जाना है, थोड़ा मोटा ही रखना है हमें टिक्के के जैसे। तो जब भी आप ट्रे के अंदर कुकीज को रखते हैं तो थोड़ा दूर दूर ही रखना है, नजदीक हमें चिपका चिपका के नहीं रखना है। कुकीज़ के ऊपर हमें फिर से थोड़े से जो चॉकलेट चिप्स है इस तरह से रखते हुए चिपकाते जाना है, ताकि जो कुकीज़ है ऊपर से बढ़िया दिखे और खाने में इसका स्वाद दुगना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ओवन को पहले से ही प्रीहीट करके रखा है। तो प्रीहीट ओवन के अंदर हमें एक कुकीज़ की ट्रे को इस तरह से रख देना है। ओवन को बंद करके इसे हमें 180 डिग्री सेल्सियस पे 21 मिनट तक बेक होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे कुकीज़ बेक होके तैयार है, देख सकते हैं आप, इसकी साइज़ भी डबल हो गई है।
तो ट्रे को हम सावधानी से बाहर निकाल देते हैं। और इसे बाहर निकालने के बाद इसे आधे घंटे तक ऐसे ही रख देना है, इसे ठंडा होने देना है। उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसी बनी है अंदर से। कुकीज यहाँ पे ठंडी हो गई है, आपको मैं एक पीस बताती हूँ। तो देखिए इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है। आप इस कुकीज का कलर और इसे देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है। इसे मैं आपको तोड़ के भी बताऊंगी, ये देखिए। अगर आपको ये मेरी आज की चॉकलेट चिप्स कुकीज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आप चाहे तो इसे आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाली मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।